त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर प्राचीन काल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह ज्योतिर्लिंग है। लेकिन यह बहुत ही अलग किस्म का ज्योतिर्लिंग है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मंदिर की कहानी बताना चाहता हूँ। कहानियाँ इस मंदिर की वैसे तो दो है, उसमें से सबसे पहली जो कहानी है वो है पद्म पुराण से, और वो ये है कि कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने दैत्यों को मूर्ख बनाकर उनसे अमर अमृत ग्रहण कर लिया था। जब राक्षसों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अमृत कुंभ के लिए देवताओं से युद्ध किया। इस क्रम में अमृत की बूंदें चार स्थानों पर गिरी, वो थे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर। और उस समय से त्र्यंबकेश्वर को हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन के साथ पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए हर 12 साल में इन क्षेत्रों में कुंभ मेला लगता है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। अन्य कथा के अनुसार गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत के क्षेत्र में निवास करते थे। एक बार 24 वर्षों का भयानक सूखा पड़ा था। लोगों को बचाने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान वरुण की पूजा की और भगवान वरुण प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि को क्षेत्र में भरपूर बारिश का उपहार दिया। लेकिन इससे अन्य ऋषियों को उनसे जलन होने लगी। उन्होंने गौतम ऋषि के अन्न भंडार को नष्ट करने के लिए एक गाय भेजी। जब गौतम ऋषि ने उसे भगाने की कोशिश की तो वो गाय घायल हुई और उसकी मौत हो गई। और यह देखकर अन्य ऋषियों ने एक गाय को मारने का पाप लगाया। इसका प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या की, जिन्होंने गंगा को गौतम ऋषि के स्थान पर आने के लिए कहा, क्योंकि गंगा एक एकमात्र ऐसी नदी है जो सब कुछ पवित्र कर देती है। ऋषि गौतम और गंगा दोनों ने भगवान शिव से पार्वती के साथ यहाँ आने को और उनके साथ रहने की प्रार्थना की, और शिव प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ बस गए। यहाँ गंगा गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई है। लोग गोदावरी की पूजा गंगा के रूप में यहाँ करते हैं और भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। किसी व्यक्ति का यहाँ आना और पूजा करना सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों, ये थी दो कहानियाँ जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अन्य ज्योतिर्लिंग में आपने देखा होगा कि सिर्फ भगवान शिव का शिवलिंग होता है, लेकिन इस मंदिर में स्थित जो ज्योतिर्लिंग है उसमें तीन लिंग है, और वो तीन लिंग शिव, विष्णु और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन लिंग है जो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है। तो ये है दोस्तों इस जगह का महत्व। मेरा सफर शुरू हुआ था मुंबई से। मुंबई से मैं पहुंचा था ताकेद, जहां पे भगवान श्री राम जटायु महाराज से मिले थे। भारत का एकमेव जटायु मंदिर वहां पे स्थित है। वहां से दर्शन लेकर मैं पहुंचा नासिक, और नासिक से अगले दिन मैं त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने निकला। 42 minutes, 29 kilometers away. Estimated time of arrival 12:45. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक रोड से या नासिक रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स हियर। ये मॉल के रास्ते से स्ट्रेट त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। यहाँ पहुँचने का सफर काफी अच्छा है। यहाँ पे देखिए, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग ड्राइव स्लो। रास्ते भी काफी अच्छे से प्रशासन ने बनाए हुए है, तो आपको यहाँ पहुँचने के लिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिस इज द फ्री दर्शन गेट। चलो जाते हैं अंदर। हम यहाँ पे सैनिटाइज भी करते हैं, तो ये ऐसा है। तो दोस्तों, हुआ ये कि वहाँ पे मैंने लाइन चेक किया, बहुत लाइन थी। मुझे ऐसा लगा कि इट वुड नॉट बी सेफ टू स्टैंड इतने क्राउडेड एरिया में,
और इतनी देर तक, हाफ एन आवर भी बहुत है ना, ऐसे मतलब लिटरली देयर वाज नो सोशल डिस्टेंसिंग, चिपक चिपक के खड़े थे, तो आई फेल्ट इट इज़ अनसेफ। तो इसे मैंने सोचा कि चलो पैसे दे के ही हम चले जाते हैं। 200 पर पर्सन है। सो दोस्तों ये है 200 पर पर्सन, इधर से 5 मिनट्स में हो जाएगा। दोस्तों ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। दर्शन हो गए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। आप फ्री में भी आ सकते हो, दैट इज देयर अ कॉमन लाइन ओवर देयर, बट जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा सा वहाँ पे क्राउडेड होता है, तो इन केस यू आर ब्रिंगिंग योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, देन आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द पेड दर्शन व्हिच कॉस्ट लाइक 200 रुपीज। तो ऐसे बात है। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव तृतीय यानी नाना साहेब ने करवाया था। मंदिर का निर्माण 1755 में प्रारंभ होकर 31 साल के लंबे समय के बाद सन 1786 में पूर्ण हुआ। यह मंदिर 3 पहाड़ियों ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, कालगिरी के बीच स्थित है। मंदिर के चारों तरफ 4 प्रवेश द्वार है। आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार पूर्व दिशा प्रारंभ, पश्चिम परिपक्वता, दक्षिण पूर्णता तथा उत्तर रहस्योद्घाटन को दर्शाती है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगाद्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट सन 1954 में सार्वजनिक पंजीकृत किया गया था। मंदिर में दैनिक 3 समय पूजन का विधान है। त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है, अतः प्रत्येक सोमवार को चांदी के पंचमुखी मुकुट को पालकी में बिठाकर गांव में प्रजा का हाल जानने हेतु भ्रमण करवाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान के उपरांत वापस मंदिर में शिवलिंग पर पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों मंदिर के बारे में और कुछ अधिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, 31 साल के लंबे समय के बाद यह मंदिर बना था और इसके निर्माण के लिए करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे 1786 तक, तो ये उस वक्त के लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि त्र्यंबक महाराज पे जो मुकुट चढ़ाया जाता था वो मुकुट नाना साहेब पेशवा ने बनाया था, और उस मुकुट में एक हीरा हुआ करता था और उस हीरे का नाम था नासक हीरा। नासक हीरा या नासक डायमंड कोहिनूर हीरे के समान था और वो हीरा अंग्रेजों ने लूट लिया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक एवं कुछ विशेष पूजा करवाने का भी अपना एक अलग ही महत्व है। इस मंदिर में कई लोग काल सर्पदोष की शांति एवं बीमारी एवं स्वस्थ जीवन के लिए महामृत्युंजय पूजा आदि करवाते हैं। इसके अलावा यहां गाय को चारा खिलाने का भी विशेष महत्व है। So guys, this is a thali for 90 rupees and the rice is yet to come. So itna bahut hai. I'll do chole, brinjal, dal, another dal, some pickle, salt, and also you have papad. It's unlimited by the way. So unlimited, aap jitna bhi khane ka kha sakte ho. So abhi milta hu aapko. So abhi hum ja rahe hain Kushavart Kund ke paas.
ये जो कुशावर तीर्थ है इसकी जन्म कथा काफ़ी रोचक है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी नदी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने कुशा की मदद लेकर गोदावरी नदी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। दोस्तों, ये था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का अनुभव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और देखने हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहता हूँ अपने चैनल पर। और बेल आइकन दबा के चैनल के नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं हूं स्वैपी बॉन्ड, आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।